बताइएगा क्या वजूहत है, आज बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान सारे मुसलमान कंट्री जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, और जो हमसे निकला 1971 का वाक्य आज भी कोई नहीं भूलता, बांग्लादेश शेख हसीना तक चली गई, सऊदी अरेबिया हमारा सीधा हाथ वो भी चला गया, सारे हिंदुस्तान जा रहे हैं G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मोदी को सराह रहे हैं और पाकिस्तान को एक मैं कहती हूँ तमाचा मार रहे हैं कि हमने नहीं आना हमने नहीं पूछना, क्या वजूहत है? जय सियाराम। ऋषि सोनक जी ने फिर से कहा जय सियाराम। मैं तो हमेशा से ही भगवत गीता के ज्ञानों को आप लोगों के बीच में मैं बांटते रहती हूँ बताती रहती हूँ। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा अनम कि गुस्सा क्या होता है, तो श्री कृष्ण ने बताया कि गुस्सा वो चीज है जिससे मनुष्य अपने आप को तकलीफ देता है। तो भारत की संस्कृति और ग्रंथों और ज्ञानों में ना हमने गुस्सा सीखा नहीं है। एक लंबे अरसे तक ये हिंदुस्तान धैर्य में था, ये भारत के नागरिक बहुत धैर्य रखे हुए थे कि कोई तो अवतार आएगा, कोई तो राम का ऐसा भक्त आएगा, कोई तो शिव का मानने वाला आएगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति आएगा जो श्री कृष्ण की बातों को हमें फिर से सुनाएगा और फिर से समझाएगा। तो 9 साल में वो वक्त आया कि भगवान राम का अवतार धरती पर पड़ा, भारत की धरती पर। और आज भारत की धरती को अगर देखा जाए तो आज पिछले 3 दिनों से इस पूरी दुनिया के कैमरा के लेंसेज नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी आंखें पथराए इस तरह से देख रहे हैं मानो जैसे के मतलब कि काश ऐसा हमारे साथ होता। पर बात ऐसी है ना अनम के वही तरक्की करता है जो काबिल होता है, वही तरक्की करता है जो फोकस करता है, वही तरक्की करता है जो एफर्ट लगाता है, वही तरक्की करता है जो कल्पना करता है, वही तरक्की करता है जो आकाश को छूने का सपना देखता है, वही तरक्की करता है जो शिक्षित होता है, वही तरक्की करता है जिसे अपने राष्ट्र से अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत होती है। जब आप सड़कों पर हमारे भारत की धरती पर भूमि पर जब आप उतरेंगी ना तो लोग कंकर में शंकर ढूंढते नजर आएंगे। हमें हर बार बोला गया कि सनातनी हैं ये लोग। मुझे तो अभी भी थोड़ी देर पहले मेरे चैम्बर में एक मैसेज आया और एक मुसलमान मर्द मुझे मेरे पर्सनल सेक्रेटरी को कहने लगा कि वो इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं। मैं इस्लाम के खिलाफ क्यों बोलूंगी, इस्लाम खुद अपने खिलाफ खड़ा हो चुका है। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो पाकिस्तान की तरफ नजरें उठाकर देखे कि इस्लाम खुद अपने खिलाफ खड़ा है, मुझे किसी के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो वो सत्य सामने रखती हूँ हर रोज जो कभी किसी को पढ़ने नहीं दिया गया, जो कभी किसी को जानने नहीं दिया गया। मैं तो उन सत्यों को सामने रखती हूँ। अगर मैंने कहा है कि मैं मुल्ला की मानने वाली नहीं हूं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अल्लाह की नजरों में बहुत बड़ी गुनाहगार हो गई हूँ। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं जिन्ना के शरिया जो छोपड़ीबाजी करता था, सुअर खाता था, शराब पीता था, वैसे जिन्ना की के शरिया लॉ को मैं मानने वाली नहीं हूं, मैं कुरान की मानने वाली हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है। और आज पाकिस्तान को इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है, आज इतनी आंखें पथरा पथरा करके इतनी क्यूरियोसिटी और इंक्विजिटिवनेस क्यों हो रही है, इतनी जिज्ञासा क्यों हो रही है। हम तो मंदिरों में घंटी बजाने वाले हैं, हम तो सूर्य देव की पूजा करने वाले हैं, हम तो चंद्रमा में भगवान को ढूंढ लेते हैं, जिस कब्रिस्तान की मिट्टियों में मुसलमान दफन होते हैं हम तो उस मिट्टी की भी पूजा करते हैं। आज इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। सनातनी धर्मों के सनातन धर्म के ग्रंथों में तो सक्सेस की बात लिखी हुई है, अचीवमेंट की बात लिखी हुई है, मानवता की बात लिखी हुई है, इंसानियत की बात लिखी हुई है, शिक्षा की बात लिखी हुई है, विश्व की बात लिखी हुई है। हम तो वही कर रहे हैं। मैम आपने कहा हम मंदिरों में पूजा करेंगे, हम चांद पर चंद्रमा पे जा रहे हैं, सारी बातें कही, तो आपने ये क्यों नहीं कहा मुसलमान होने के साथ साथ कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे, आपने ये क्यों नहीं बोला?
ऐसा है कि कुरान कहता है कि जो औरत परफ्यूम लगा ले उसको जन्नत में जगह नहीं मिलती है और उसको प्रोस्टिट्यूट का की नजरों से देखा जाता है। पर वहीं पर जब मैं मंदिर में एंटर करती हूँ और जब मैं पूजा करती हूँ तो पुरोहित मुझे या पंडित मुझे आशीर्वाद देने से पहले ये नहीं पूछता है, आपने आपने परफ्यूम लगाया है तो आप तो प्रोस्टिट्यूट हो गई। वो मेरी श्रद्धा देखता है, वो मेरा विश्वास देखता है, वो मेरी आस्था देखता है। तो उनको तो अपनी मेरी आस्था से मतलब है, उनको तो मेरी श्रद्धा से मतलब है, उनको तो मेरे विश्वास से मतलब है। तो मैंने आपको सच बताया है। आप कलाम पाक खोलिए, 30 पारा खोलिए, आप उसमें देखिए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो औरत परफ्यूम लगाती है और वो बाहर निकलती है तो जन्नत में उसके लिए कोई जगह नहीं है और उसको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। अपने आप से इन्होंने इल्यूजन बनाकर दे दिया है। कौन आया है जहन्नम से मुझे तो समझ नहीं आता है, और कौन आया है जन्नत से ये भी मुझे समझ नहीं आता है, और कौन वहां से वीडियोग्राफी करके ला करके धरती पे बताता रहता है ये दाढ़ी टोपी वाला, मुझे समझ नहीं आता है कि जहन्नम में जाने वाले लोगों का चिकन पकौड़ा और तंदूरी बनाया जाएगा, और ये मर्दों को जन्नत में 72 वर्जिन हूरे मिलेंगी अपनी ठरकबाजी पूरी करने के लिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आज सनातन धर्म को हर एक देश, ये पूरी दुनिया अप्रिसिएट कर रही है, ये पूरी दुनिया इस सनातन धर्म की तारीफ कर रही है। यूएस में अनाउंस किया गया है, यूएसए के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो सनातन दिवस मनाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सनातन दिवस मनाया जाएगा। अब बताइए, इंडोनेशिया, जकार्ता, पेरिस, लंदन, अमेरिका जन्माष्टमी मनाई गई है। अब बताइए, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान से आए हुए शेख आज हिंदुस्तान और भारत की धरती पर कदम रखने के बाद वो हमारे कल्चरल प्रोग्राम को देखने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं, सलाम अलैकुम तो नहीं कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्ला अलैहि व बरकातहू, उनको तो पूरा आता होगा ना, पर उन्होंने तो नहीं किया, हाथ जोड़ा, शीश झुकाया और नमस्कार किया और तोहफे में भगवत गीता लेंगे G20 के समारोह के बाद। जो 500 भोग बने हैं ना, वो भी हमारी संस्कृति को टच करता हुआ बना है। कुछ लम्हा के बाद ना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो की स्पीच स्टार्ट होगी। आपको पता है 2015 में जब जस्टिन ट्रूडियो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, 2015 में इंडिया आए थे, तो उन्होंने गोल्डन टेंपल विजिट किया था, उन्होंने बहुत सारी मंदिरें विजिट की थी और साथ साथ उन्होंने जामा मस्जिद भी विजिट किया था। अब जामा मस्जिद विजिट करते वक्त एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। जामा मस्जिद जब उन्होंने विजिट किया तो इमाम बुखारी की हिंदू बहू, इमाम बुखारी जो शाही इमाम है इस हिंदुस्तान के, जिनके कहने पर हम रोजा स्टार्ट करते हैं, जिनके कहने पर हम अफ्तार करते हैं, जिनके कहने पर हम रमजान मनाते हैं, जिनके कहने पर हम ईद मनाते हैं, जिनके पीछे नमाज पढ़ने वाले अपने आप को जन्नती और 72 वर्जिन हूरों के हकदार समझते हैं, वो मौलाना बरकती की हिंदू बहू साथ में खड़ी हुई थी, बुरका उड़ा था और अंदर से टांगे दिखी थी। बहरहाल उस पिक्चर को गूगल से हटाने के लिए मौलाना बुखारी ने बड़ी जद्दोजहद की, पर वो एक पिक्चर अभी भी मेरे पास है, वो पिक्चर अभी भी मेरे पास है। तो लव जिहाद की हिंदू धर्म से आकर्षित हो करके, हिंदू सनातनी धर्म से अट्रैक्ट हो करके, जब हिंदुस्तान के शाही इमाम मौलाना बरकती का इकलौता बेटा हिंदू बेटी से शादी कर सकता है और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के सामने खड़ा कर सकता है, मीटिंग करवा सकता है, तो मैं और आप मुसलमान होकर के बड़े बड़े समारोह में जय सिया राम क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्या हमारे अंदर मुसलमान बेटियों के अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है? क्या मुसलमान बेटियां खूबसूरत नहीं होती हैं? क्या मुसलमान बेटियां एडुकेटेड नहीं होती हैं? क्या मुसलमान बेटियों के अंदर चार्म नहीं होता है? क्या मुसलमान बेटियां हर एक देश में अपना सिक्का नहीं जमवा सकती हैं? क्या मुसलमान बेटियों को एक एक
अब एक वैल्यूबल प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता है? और अगर भारत के प्रधानमंत्री मुसलमान बेटियों को प्लेटफॉर्म देते हैं, मुसलमान बेटियों को शिक्षित होने की बात करते हैं, मुसलमान बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए मौलवी मुल्लाओं को, जिन्होंने हमें सिर्फ ठरकबाजी का सामान ही समझा था, जिन्होंने हमें कभी उत्साह नहीं दिया कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी कुछ बनना चाहिए, हमें भी चांद छूना चाहिए, कभी भी उत्साह नहीं दिया। आज दुबई 72 एकड़ में मंदिर बना रहा है। आज सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब परेशान है कि वो हिंदुस्तान के साथ बायलेटरल रिलेशन करें, ट्रेड करें, यहां पर पैसा खर्च करें और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सक्सेस अचीव करें। आज शेख हसीना जब कल आई है तो उन्होंने बेसाख्ता सारे मीडिया के सामने कहा है कि आने से पहले उन्होंने बांग्लादेश के तमाम माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोगों से मुलाकात की है और उन्हें बताया है कि मैं और आप एक हैं, हम दोनों को मिलकर के, हम सब समाज को मिलकर के, एक साथ मिलकर के हमें इस बांग्लादेश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, शाना बशाना चलने की जरूरत है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, मानवता की बात होगी, अचीवमेंट की बात होगी, सक्सेस की बात होगी, इंप्रूवमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी, ये शेख हसीना ने कहा है। तो किससे प्रभावित होकर कहा है? मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से प्रभावित होकर कहा है। 1971 में निकला बांग्लादेश आज G20 ग्रुप 20 के मेंबरशिप में है और यह पाकिस्तान गधेड़ों की फौज दूर से बैठा बैठा मातम कर रहा है। चलते रहेंगे जब तक शरिया लॉ पर जिन्ना के बनाए हुए, तो चलिए पर ढूंढिए कि जिन्ना का परिवार क्यों नहीं कभी पाकिस्तान में बसा, ढूंढिए ना, ढूंढिए कि जिन्ना के परिवार वाले, जो परिवार में तो कोई बेटी भी तो होगी, वो कहाँ है? आज कश्मीर से बैठ करके महबूबा मुफ्ती इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है और अपनी दोनों बेटियों को उसने फिल्म इंडस्ट्री में डाला हुआ है, छोटे कपड़े, बहुत ऐश मौज, खुद सर पे स्कार्फ और बेटियों को जीने की पूरी तैयारी। क्यों? अच्छे काम तो घर से किए जाते हैं ना, अच्छे काम तो घर से किए जाते हैं। तो मेरी माँ भारतीय नारी है ना, उसने खुद अपने सर पर स्कार्फ डाला कभी और ना ही कभी हमें कभी कहा कि तुम्हें सर पर स्कार्फ डालने की जरूरत है। शर्म आंखों में होती है और अगर मौलवी मुल्लाओं को मेरे पर्दे का ज्यादा एहसास है तो वो अपनी आंखों में शर्म दोबारा लेकर आ जाए। मैं हिजाब में नहीं रहूंगी, आंखें अगर वो बेहतर कर ले तो मुझे हिजाब में रहने की कोई जरूरत नहीं। मैम, पाकिस्तान मानता है कि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म पे चलता है और अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके लाल, उनकी बातें, उनकी स्पीच, उनकी पॉलिसी सारे हिंदुइज्म पर ही होती हैं। आपने जिस तरह से बात की है, अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि मुसलमान जो हैं वो ज्यादातर अब हिंदुइज्म को मानने लगे, मतलब कि उनके जो इबादत गाहें, जो भी चीजें हैं उनको मानने लगे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या फिर पाकिस्तान जो कहता है, पाकिस्तान जो कह रहा है, पाकिस्तान के ऑफिशियल जो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से ये सब कुछ हो रखा है, ये वजह है या कुछ और वजह है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे ज्ञानों को, हमारे ग्रंथों को, हमारी आस्था को, एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान में थी जो किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए ना ही हिंदुस्तान की तरक्की पर उसने कभी तवज्जो दिया और ना ही 82% हिंदुओं के इमोशन की कभी कदर की, कभी भी नहीं की। हमारे ग्रंथ, हमारे विज्ञान, हमारे ज्ञान, हमारा भगवद गीता, हमारा हनुमान चालीसा हमेशा हमेशा हमें ज्ञान की बात कहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान की बात। अभी आप भगवद गीता और ऋग्वेद में जाइएगा तो हमेशा ज्ञान की बात कही जा रही है। क्यों बार बार ये पूरा देश, एक्सेप्ट पाकिस्तान उसको छोड़ दीजिए, ये पूरा देश क्यों शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है? क्योंकि उससे हमें सही और गलत का एहसास होता है।
सही और गलत को समझने का तरीका समझ में आता है। इसलिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हमें कुरान के साथ साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी बहुत जरूरत है। और जब तक हम दूसरे धर्मों की किताबों को समझेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हमें समझ में कैसे आएगा। बहुत छोटी सी बात मैं अनम आपको कहना चाहती हूँ कि कुरान पाक के अंदर 30 पारा में हम सूरह मरियम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखिए या हिंदुस्तान के मुसलमान को देखिए, आप किसी को चर्च जाने बोलिएगा तो वही मदर मैरी, जिसको अंग्रेजी में मदर मैरी बोल दिया गया है, तो वो कहेंगे कि नहीं, मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हम नहीं जाएंगे चर्च के अंदर। एक तरफ तुम सूरह मरियम पढ़ते हो कुरान के अंदर, तुम उसको वैल्यू देते हो, लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सूरह मरियम का बहुत बड़ा मुकाम है। अगर सूरह मरियम का वाकई में बहुत बड़ा मुकाम है और मरियम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मुकाम है, तो किसने मारे थे उनके ऊपर ढेले, किसने बरसाए थे उनके ऊपर पत्थर जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, और क्यों जाने से हिचकिचाते हो और डरते हो चर्च के अंदर, क्यों कैंडल जलाने से तकलीफ होती है, क्यों कलेजा फटता है, वो भी तो मदर मैरी ही है, वो भी तो मरियम अलैहिस्सलाम ही है। तो मैं यहां से बैठे बैठे मैं खुदा को मानूं या मैं मुसल्ला और जनमाज बिछा करके खुदा को मानूं, भाई मेरे 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 श्रद्धा को देखना चाहिए। पर यहाँ तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस बना दिए गए हैं, और आप देखिएगा कि मर्द ही हमेशा मुस्लिम औरतों को सिखाता रहता है कि इस्लाम क्या होता है, इस्लाम क्या होता है। आप मुझे एक औरत बता दीजिए जो बहुत रिनाउंड हुई है जिसने मर्दों को सिखाया है कि इस्लाम क्या होता है। ये डिक्टेटरशिप का जो धर्म है इस्लाम, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों को कुचल करके, औरतों को मुट्ठी में रख करके डिक्टेटरशिप करने का तरीका सीखा है मुसलमान मर्दों ने। आज आप देखो दुबई कितना कितना फास्ट फॉरवर्ड है, आज आप देखो सऊदी अरबिया कितना फास्ट फॉरवर्ड है, अफगानिस्तान से पूरी पूरी ब्यूरोक्रेट टीम आई है, पूरे के पूरे दल बल चले आए हैं, वो अपना पूरा शेख वाला ओरा लेकर के और भारत नाट्यम देख रहे हैं, हिंदुस्तान भारत की संस्कृति का, भारत के भोग के भोजन का मजा ले रहे हैं। आज पिछले 3 दिन से वो भारत के भोजन से ही तो वो अपना पेट भर रहे हैं। तो भाई आप देखो कि वाकई में सनातन धर्म में बहुत अट्रैक्शन है, बहुत डिसिप्लिन है। अब आप सोचो कि 2015 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो आए, उन्होंने गोल्डन टेंपल विजिट किया, उन्होंने मंदिरें विजिट की, उन्होंने चर्च विजिट किया, साथ साथ उन्होंने जामा मस्जिद भी विजिट की। पर जो सिनेरियो उन्होंने देख लिया इमाम बुखारी का, कि एक तरफ वो भाषणबाजी करते हैं, फतवाबाजी करते हैं कि हिंदू काफिर है, और उनके घर में हिंदू बहू है इकलौते बेटे की, तो इसी से पार्शियलिटी और गिरगिट वाला रंग बदलने का जो चेहरा है वो तो समझ में आ जाता है ना। आप बॉलीवुड देख लो, आज तक किसी मौलवी मुल्ला ने बॉलीवुड पर उंगली क्यों नहीं उठाई? जितने भी मुसलमान जो एक्टर है, फेमस एक्टर है, उनकी बीवियां जो है वो हिंदू है। आप हमें क्यों सिखाते रहते हो? आप सिर्फ हमें क्यों टारगेट करते रहते हो? आप जाओ ना, उनको टारगेट करने की हिम्मत है तो करो ना, कहो ना शाहरुख खान से कि हिंदू बीवी क्यों लाए, मुसलमान बीवी क्यों नहीं लाए, मुसलमान लड़कियां क्या अच्छी नहीं दिखती हैं? आप इमाम बुखारी को जाके बोलो ना, शाही इमाम है वो हिंदुस्तान का, उसके पीछे हजारों लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, उसके कहने पर हम रोजा स्टार्ट करते हैं। आप कहो ना जा करके कि आपका इकलौता बेटा हिंदू से क्यों शादी किया। खुद करे तो रास लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर डीला। नाजिया ने जय सियाराम बोल दिया तो नाजिया बहुत खराब हो गई, और इमाम बुखारी का इकलौता बेटा हिंदू बीवी लेकर आ रहा है और इमाम बुखारी उसको हर किसी के सामने उसको खड़ा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नाजिया ने अगर सुप्रीम कोर्ट अटेंड कर लिया, नाजिया ने अगर पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड कर ली, नाजिया ने अगर पूजा कर लिया, तो बहुत बुरा हो गया। पर इमाम बुखारी की बहू, हिंदू बहू, अगर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के सामने खड़े होकर के मीटिंग कर रही है, साथ में बैठ करके चाय नाश्ता कर रही है, तो शर्म लिहाज मुस्लिम का जो एक पर्दा वो कहां चला गया? चूल्हे के भाव में चला गया क्या? मतलब जितना इस्लाम है और इस्लाम के फराइज है वो सिर्फ मुसलमान औरतें पूरी करेंगी, भाई हमने कर लिया। 1500 साल मुसलमान औरतों ने इस्लाम को बचा दिया, अब हम नहीं बचाएंगे। मर्दों में ताकत है तो बचाए, हम नहीं बचाएंगे, बस। 1500 साल इज इनफ ना अनम, 1500 साल इज इनफ।
हमने बचा दिया इस्लाम, अब आप बचाओ, मर्द बचाए। आंखों में शर्म लेकर आए, 72 वर्जिन हुरों की ठरकबाजियां दिमाग से निकालें, ये सारी चीजें करें, वो तलाक ना दें, हलाला का मजा ना लें, पॉलीगेमी का मजा ना लें, निकाह मुत्ता का मजा ना लें, बच्चा पैदा ज्यादा ना करें, तो अब वो बचाए ना, हम क्यों बचाएंगे? हमने 1500 साल बचाया, हमारी फीमेल जेंडर ने, मुसलमान फीमेल जेंडर ने 1500 साल इस्लाम को बचा कर रखा था। हमें इज्जत नहीं मिली, हमें प्रॉफिट के फहरिस्त में नहीं काउंट किया गया, हमें कुरान के हिसाब से बताया गया कि हम मुकम्मल पाक भी नहीं होते हैं। तो भाई हम दूर हैं, हमको दूर रहने दो, क्यों खुजली मच रही है अब तुम्हें? आज शेख हसीना, आज सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस आकर के नमस्ते कर रहे हैं ना, साथ में बायलैटरल रिलेशन और ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं ना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को जब मस्जिदों में मिस्र में लेकर जाया जाता है तो उनको पलकों पे बिठाया जाता है। तो ये 54, 58, 10 वाले लोगों पर मैं ध्यान दूं या मैं अपने राष्ट्र, अपने भारत के ऊपर ध्यान दूं? तो मैं अपने राष्ट्र और अपने भारत पर ध्यान देती हूँ। बिल्कुल सही। एक पिक्चर आई थी मैम मेरे सामने, ये जो बाइडेन की पिक्चर बनी हुई है और अभी देखिएगा लिंक है, और उसके अलावा वेलकम टू भारत लिखा हुआ है, ये देखिएगा नजर आ रही है आपको। हाँ जी, अभी तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में अभी चल रहा है और सऊदी अरबिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा है इस पिक्चर को। मेन स्ट्रीम मीडिया, अब हमारा कलमा और भारत का झंडा साथ-साथ जुड़ गया, बहुत बड़ी बात है। और ये देख के मुझे काफी अच्छा भी लगा है कि हिंदुस्तान के अंदर हो या फिर अब दूसरी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज हो, अब हिंदुस्तान को तो मिल ही रही है प्रायोरिटी। अब हिंदुस्तान जो है वो भी सबको प्रायोरिटी दे रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लिए बुरा साबित हो सकता है अगर सारे इस्लामिक कंट्रीज ने मुंह फेर लिया पाकिस्तान से। तो क्योंकि पाकिस्तान आपको भी पता है कि सिर्फ चाइना या सऊदीया या टर्की या फिर दुबई, इनके बिहाफ पे ही अभी चल रहा है। अभी खुद का हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसपे हम कह सके कि भाई तुम लोग मुंह भी फेरोगे तो हमारे पास सब कुछ है, हम खुद हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग ये बड़े मतलब दावे भी नहीं कर सकते, हम चलेंगे, हम खुद के पांव पे चलेंगे। जैसे अनम, ऐसा नहीं है, आपके पास कुरान है, आपके पास मुल्ला है, आपके पास मौलवी है, आपके पास नात है, आपके पास गजलें हैं, आपके पास बम है, आपके पास जिहादी है, आपके पास जाहिल है, आपके पास गोली है, आपके पास स्लीपर से